तो जो लोग आलसी हैं वो समझ लीजिए आपकी कुंडली में इन 9 प्लैनेट में से चंद्रमा पावरफुल है, लेकिन खराब। चंद्रमा क्या है? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। अर्थात चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ। हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा काम क्या है? एक होता है राजा, एक होती है रानी। रानी की अपनी अलग स्टोरी है। रानी का भी रुतबा राजा से कम नहीं। तो चंद्रमा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सब राजा चाहे दिन भर मूंछों में ताव देके इसका उसका ये करता रहेगा, शाम को तो घर आएगा। और रानी रूठी मिली तो राजा के घर में चिड़चिड़ तो होगी, ये तो तय बात है। पुराने जमाने में तो कोप भवन होते थे, फिर वो वर मांगे थे, जो 2 वर याद हैं, वो 2 वर याद हैं जो देने हैं, राजा ये बनेगा और वनवास ये में जाएगा। ये काम है रानी का। रानी का खेल भी था बड़ा निराला है, हल्के में लेने की गलती ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे साहब रानी है तो शुक्र पकड़ना चाहिए, शुक्र और बहुत सारी चीजों के लिए होता है, बात करेंगे जब शुक्र आएगा तो। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो राजा अगर सूर्य है तो रानी चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा हमारी जिंदगी में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये समझना होता है। तो साहब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी। अगर चंद्रमा आपका ज्यादा पावरफुल हो गया, आजकल बड़ी प्यारी टर्मोलॉजीज है जो लड़कियां अक्सर शादी के बाद अपने मायके में जाके अपने पति के बारे में बताती है, मम्माज बॉय है, जो माँ कहेगी वही करेगा। वो चंद्रमा अच्छे की निशानी है, मम्मा बॉय, जो माँ ने बोला बस वही, ठीक है। उसके अलावा क्या? इमोशंस। चंद्रमा क्या है? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ठीक है। चंद्रमा अच्छा है तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा खराब है आप इमोशनली वीक है। छोटी छोटी बात पर रोना धोना मचा देते हैं लोग। चंद्रमा खराब की सबसे पहली निशानी है, जो ज्यादा रोना धोना मचाए समझ लेना चंद्रमा खराब है। जिसको ज्यादा मूड स्विंग आए चंद्रमा खराब है, ये उसकी निशानी है। और समझिए चंद्रमा और किस चीज से रिलेटेड है? चंद्रमा रिलेटेड है अगर अच्छा होगा तो लोग सॉफ्ट हार्टेड होंगे, यानी इमोशनल है ना, अच्छा होगा तो सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगा, दयालु, ठीक है। अच्छा चंद्रमा जिसका जितना ज्यादा अच्छा होता है, एक सीक्रेट देता हूं चंद्रमा के बारे में, नोट कर लीजिएगा, जिसका चंद्रमा जितना ज्यादा अच्छा होगा वो जब जब खराब होगा अपने सबसे पहले वहां से झगड़ा करने वाला है। आपके बड़ी अजीब सी बात है यार, अभी आप कहते हैं मम्माज बॉय, लेकिन वो झगड़ा वो वाला नहीं होगा कि छोड़ के चला गया, टुक 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 टुक, टुक चलती रहेगी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा ही जाएगा। बीच बीच में खराब होते ना मूड स्विंग है ना, मम्मी ने बोल दिया, आपने कैसे बोल दिया, उसने कैसे कर दिया, मेरे पसंद का खाना नहीं बनाया, जो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता ही रहेगा। आपने नोटिस किया होगा घर में, जैसे हम लोगों में से बहुत सारे लोग तो मैरिड है, बच्चे भी हैं, अब किसी के 2-3 बच्चे हैं, आजकल 3 तो कम ही होते हैं, 2 ही पकड़ लिया। और बच्चे अगर बार बार कोई एक ऐसा बच्चा होगा तो उसे कहेगा, मम्मी यार खाने में क्या बना दिया यार, आप तो मेरी सुनते नहीं हो यार, मेरे को नहीं खाना खाना। इट इज लाइक दिस, खाने में चिड़चिड़ चिड़चिड़, और मम्मी से किसी ना किसी बात पे, मेरे को 500 रुपये चाहिए, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मेरे को मूवी देखने जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। ये चंद्रमा की निशानी है। चंद्रमा अच्छा होगा तो मामाज बॉय, थोड़ा सा भी खराब हुआ तो किट 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 वहां से सब गिर। और अगर चंद्रमा ज्यादा खराब हुआ तो मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आनी ही हैं। माँ का सुख खराब चंद्रमा होगा तो कम होगा, नहीं होगा। एक और चीज, एक और सीक्रेट,
जो भी लोग अपने बर्थ प्लेस से जहां जन्म हुआ है जिस शहर में उससे दूर रहते हैं उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ कि बीसों की बीसों खराब होगी तो खराब मानूंगा, नहीं, पांच खराब होगी, किसी की सात खराब होगी, किसी की दस खराब होगी, पांच खराब है कम खराब है, सात खराब है थोड़ा ज्यादा खराब है, दस खराब है थोड़ा ज्यादा खराब है, बीस की बीस में से बीस खराब है तो बड़े तुम्हारा तो बिल्कुल ही 6 में से 0 नंबर। इट इज लाइक दिस। और सबसे खराब चंद्रमा किसका? बोले बर्थ के बाद मम्मी चली, मॉम इज नो नो मोर, माँ का प्यार ही नाम लो, माँ से दूर हो गए। और खराब किसका हो सकता है? बोले साहब मैं पैदा हुआ, मेरी मम्मी ठीक है, लेकिन मैं तो नानी के घर ही रहूं, ज्यादा मैं वहीं बताया, ये मैं तो चाचा के घर या ताया जी के घर ही रहूं, मम्मी के साथ तो रही। दैट मीन्स चंद्रमा खराब है इनडायरेक्टली, यानी माँ का प्यार आपको मदर्स लव कम मिलेगा। दूसरा, एक और चंद्रमा खराब की निशानी, इन लोगों को ना बार बार घर बदलना पड़ता, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। मान लो आप रेंटेड हाउस पे रह रहे हैं, साल 2 साल एक महीना अगले में चले गए, फिर साल 2 साल फिर अगले में चले गए, कभी 6 महीने बदल लिया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो, खराब चंद्रमा की निशानी है। घर का सुख चंद्रमा से देखा जाता है, गाड़ी का सुख चंद्रमा से देखा जा रहा है, चंद्रमा खराब हो रहा है, गाड़ी ठुकती रहेगी, खराब कंडीशन मिलेगी, घर बदलना पड़ेगा बार बार, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर चंद्रमा अच्छा होगा तेज तेज चलते लो, वॉकिंग तेज 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 चलते, जो आपको आराम से ढीला ढीला जैसे चल रहा होगा ना वो बिल्कुल अच्छे चंद्रमा की निशानी नहीं है। चंद्रमा आप देखिए 2 दिन में राशि बदल देता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पावरफुल है तो आप लेजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा काम तो फास्टेस्ट है ना, चंद्रमा तो सबसे तेज चल रहा है ना, जो खुद तेज चल रहा है उसका अगर पावर मेरे पास ज्यादा है तो मैं एक्शन ओरिएंटेड होऊंगा, तेज 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 चलूंगा, लेकिन जैसे मैं तेज 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 चलूंगा मेरा मूड स्विंग भी फटाफट फटाफट होगा। इसलिए मन चंद्रमा, समझ गए बात? और बात करें और पकड़े सिम्टम्स को, चंद्रमा अब क्योंकि मूड ड्रिवन है तो कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, एक टर्मोलॉजी है वो है हार्ड वर्किंग, मेहनती। एक और चीज होती है उसे बोलते हैं हार्डली वर्किंग, एक तो बेचारा काम ही करता रहता है, एक बेचारा एक हिलेगा नहीं। हार्ड वर्किंग हो या हार्डली वर्किंग हो, यानी एक बहुत काम करता हो और एक बिना काम के बैठा रहता हो, किस मतलब आलसी आदमी हो एकदम, सारा खेल डिपेंडेंसी चंद्रमा पर है। चंद्रमा नॉर्मली आलसी होता नहीं, एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन चंद्रमा अगर पावर में होके कमजोर हुआ, मतलब अगर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा हुआ और खराब हुआ, आलसी बना देगा। तो जो लोग आलसी हैं वो समझ लीजिए आपकी कुंडली में इन 9 प्लैनेट में से चंद्रमा पावरफुल है लेकिन खराब, पावरफुल बट खराब। जिसके यहाँ चंद्रमा खराब है उसके यहाँ वाटर लीकेज की समस्या आती ही आती है, कभी सर यहाँ की टूटी बह रही है, कभी माँ की हो रही है, घर में सीपेज है, सिलन है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, वाटर का क्वालिटी खराब होगा, मून इज वाटर, चंद्रमा अच्छा है वाटर का क्वालिटी गुड, चंद्रमा खराब है वाटर का क्वालिटी खराब। अच्छा चंद्रमा ठीक करने का तरीका क्या है? अच्छी क्वालिटी का पानी पियो ना, अपने आप ठीक होगा वो, 70% शरीर हमारा पानी से मिलकर बना है, अल्कलाइन वाटर। अगर आप फाइनेस्ट क्वालिटी का वाटर पीते हो धीरे धीरे आपका चंद्रमा मजबूत और अच्छा होता जाएगा। कितनी सिंपल रेमेडी है, क्यों करना है इधर उधर हजारों रुपए खर्च करने, पानी अच्छा पी लो ना, फिट भी रहोगे, क्या क्या अच्छा हो जाएगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वेल्थ अच्छी हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी अच्छी होगी, माँ का ज्यादा प्यार मिलेगा,
बार बार घर नहीं बदलना पड़ेगा, लीकेज नहीं आएगा, अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा, वरना इसे हो जाता है, खराब चंद्रमा में ही सब हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसका चंद्रमा पावर में होता है, इन लोगों को हरी सब्जियां खाने का बड़ा शौक होता है, ग्रीन वेजिटेबल, बड़े शौकीन होते हैं उन्हें खाने पसंद क्या है, आई लाइक स्पिनच, पालक बड़ा पसंद है मुझे, तो हरी सब्जियां बड़ी पसंद है। उनकी कुंडली में चंद्रमा को देख लेना, वो उस कुंडली में 9 प्लेनेट में से ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है, जिसको ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां खाने की शौक है, समझ गए बात, आगे बढ़े। अगर चंद्रमा खराब हुआ तो आपके ऊपर झूठे इल्जाम जरूर लगेंगे, नॉर्मली अपोजिट सेक्स वाले लोग लगाते हैं, खराब चंद्रमा की निशानी कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। आप झूठे आरोप का मतलब हमेशा खराब वाले आरोप नहीं होते, किसी ने कुछ कह दिया कि साहब तुम्हारे लिए किसने ऐसा बोला, अब अपोजिट सेक्स मीन्स बहन ने बोल दिया, मैं मेल हूं, आप मेल हैं, आपकी बहन ने कुछ कह दिया कि ये भाई जो ऐसे ऐसे करता है, झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, कि मन में खोट है, हो गया ना, मेरा मतलब क्या, तो ये खराब चंद्रमा की निशानी है आपके ऊपर, आप अपोजिट सेक्स, एंड इट डज नॉट ऑलवेज मीन रिलेशनशिप, घरेलू बातें भी होती है घर में, वो भी इससे शामिल है, ठीक है। चंद्रमा को अच्छा करने का और क्या तरीका, माँ से आशीर्वाद लेते रहिए, घर के वाटर की सप्लाई को ठीक रखिए, सीपेज मत आने दीजिए, वास्तु का बहुत बड़ा रूल है, लाख लाख 2 लाख रुपए वास्तु वालों को फीस देना, फिर बताइए, अभी बता रहा हूँ, फ्री, करेक्ट योर वाटर, योर मून इज करेक्टेड, टेक ब्लेसिंग योर मॉम, मून इज करेक्टेड। कई लोग ऐसा हो सकते हैं हम जिनकी उम्र इतनी होगी, मम्मी जा चुकी हो, तो भैया बहुत सारी लेडीज जो आपकी माँ की उम्र, मामी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, माँ की उम्र की तो है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, चलना ठीक है, ग्रेजुअली ठीक होता जाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल आपके चंद्रमा को ठीक करने के लिए काफी है।